आपको बता दें, पहले चरण में जिला कांगड़ा को 30 सीटर बसों की सौगात मिली है, तो वहीं पर सोमवार को ये बसें शाहपुर के चंबी मैदान में पहुंची हैं, जहां जो है उनको खड़ा किया गया है। तो हालांकि ये बसें 30 सीटर हैं और इनकी लंबाई 9 मीटर है। वहीं कांग्रेस विधायक पठानिया सिंह ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार जनता के हित में किए गए वादों को पूरा कर रही है। तो साफ तौर पर जो है किसी तरह की आवाजाही में परेशानी ना हो, उसको लेकर ये बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। 30 सीटर जो इलेक्ट्रिक बसों की सौगात है वो मिलने जा रही है, और साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि जो इन बसों से लोगों को आवाजाही में सबसे ज़्यादा आसानी होने वाली है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ये बसें लोगों को सुविधाएँ मुहैया करवाएंगी, क्योंकि तमाम ही नई बसें सुविधाओं से लैस होंगी, तो साफ तौर पर आवाजाही में भी वहाँ के लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया और ई बसेस की बात की, और आज 17 तारीख है। एक महीने के अंदर मैं कहता हूँ ऐसा न भूतो न भविष्य थी, ऐसा मुख्यमंत्री हमने बहुत से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का मुख्यमंत्री का विजन है और जो ग्रीन स्टेट का नारा दिया है, आज मुख्यमंत्री महोदय ने ये दर्शा दिया कि वो जो फैसले लेते हैं वो एक महीने के अंदर जमीन पे उतरते हैं। मुख्यमंत्री ई बसेस के लिए हिमाचल प्रदेश में नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। जहां माननीय मुख्यमंत्री के धन्यवाद दिए, वहां उप मुख्यमंत्री जिनके पास ये की परिवहन विभाग है आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, हम उनके भी धन्यवाद दिए। देखिए, आज अब भी देख रहे हैं कि चंबी ग्राउंड में जो 10 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। एक बस ऑलरेडी ही हमारे पास धर्मशाला बस स्टैंड पर पहुँची है, और जो बाकी बसेस हैं, जो 4 बसेज और हैं, वो भी ऑन द वे हैं। एक्सपेक्टेड है कि आज शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगी। जब बसेज यहाँ पहुँची हैं, इसकी हमने सूचना मुख्य कार्यालय को दे दी है, 4 बसेज और पहुँच जाएंगी। इसके बाद इन गाड़ियों की पासिंग की जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे मुख्य कार्यालय के आदेश आएंगे उनकी हम अनुपालना में इन गाड़ियों को चलाएंगे।